इस समय हम खड़े हैं वसई वाबोला पे। यहाँ आप देख सकते हैं एक बड़ा सा झाड़ है, उसके कुछ अंश आज गिर गए, टूट गया, और कहीं ना कहीं बारिश में इस तरह के हादसे देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन मैं इस पर पूरी बात करूँ इसके पहले हमारे साथ वसई विरार महानगर पालिका के पूर्व महापौर प्रवीण शेट्टी जी, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ घटना हुई। मवर साहब क्या घटना हुई? ये वाबोला बंगली रोड पे एक बड़ा सा जिसको अपन वड़ का झाड़ बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो उसका एक बड़ा डाली टूटा, उसके वजह से MSCB के लाइन के ऊपर गिर के यहाँ 2-3 MSCB के खंभे गिर गए और ट्रैफिक जाम हो गया। अग्निशमन दल के कर्मचारी, MSCB के कर्मचारी और हमारे महापालिका के विद्युत कर्मचारी सब आके अभी उन्होंने सब क्लियर किया है, जल्दी सब पूर्ववत हो जाएगा। आप भी तो कहीं समय से खड़े हैं यहाँ, तो हालात में ऐसा कोई किसी के साथ में दुर्घटना ऐसी जानकारी तो नहीं? नहीं नहीं, एक बड़ा बरगद का पेड़ है और ऐसी कुछ कौन से भी जीवित हानि नहीं हुए, सुबह भगवान की दया से ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है, लेकिन सब अग्निशमन दल ने सब अभी क्लियर कर दिया है। तो ये महापौर साहब आपको बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आप देख सकते हो, इस तरफ ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसकी एक बड़ी डाली वो टूटी थी और टूटकर वो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से कई इलेक्ट्रिक पोल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए और काफ़ी समय से यहाँ अभी ट्रैफिक जाम था, अभी ट्रैफिक क्लियर हुआ है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, MSCB ऑफिसर्स और उनके स्टाफ मेंबर यहाँ थे, साथ ही साथ महानगर पालिका अग्निशमन दल जिन्होंने पूरा इस टहनी को निकाला है और अच्छे से यह रोड क्लियर किया है। अभी फ़िलहाल ये हादसा बड़ा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, इसमें किसी तरह की क्षति नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें कि ये जो रास्ता है वसई बंगले की तरफ जाने वाला, वाबोला से बंगले की तरफ जाने वाला व्यस्ततम रास्ता है, और बारिश के समय में इस तरह की कई घटनाएँ झाड़ गिरने की और होती रहती है, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहेंगे कि जब आप कभी सफ़र करें, रास्ते पर जा रहे हो, तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ शुक्र है कि किसी को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन कभी कोई भी इस तरह के हादसों का शिकार हो सकता है। अभी आज के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।